एक लड़का जो बहुत ही छोटी उम्र में डीएसपी बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसे रोते हुए अपनी डीएसपी की पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है और उसके बाद फिर से वह कलेक्टर बन जाता है। अब जब वह कलेक्टर बनता है तो इसकी खुशी उसके परिवार वाले भी नहीं मना पाते हैं और वह चुपचाप से अपने घर में रह जाते हैं। किस कारण से उसने डीएसपी के पद से रिजाइन दिया था और किस वजह से उसके परिवार वाले उसके कलेक्टर बनने की खुशी भी नहीं मना पाते हैं, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है प्रदीप। प्रदीप के पिता के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेतीबाड़ी किया करते हैं और उसी से अपने घर का गुजर बसर किया करते हैं। प्रदीप पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वह 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। जब वह 12वीं क्लास में होता है तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप बहुत मेहनत का काम करते हो, जब मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाऊँगा उसके बाद आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर उसका पिता बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, जब तू बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो उसके बाद मुझे मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद प्रदीप अपनी ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ टेस्टों की तैयारी भी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो प्रदीप होता है वो एक डीएसपी बन जाता है। अब जैसे वो डीएसपी बना था तो उसके गाँव में चारों तरफ से ये शोरगुल हो गया था कि उसका लड़का डीएसपी बन गया और अभी तो उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसने पहली ही बार में डीएसपी की पोस्ट को हासिल कर लिया था और अभी उसकी उम्र काफी ज्यादा कम थी। इसके बाद उसके घर वाले इस बात की चारों तरफ खुशी मनाते हैं और लड़का अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। इसके बाद वह अपने कार्यभार को बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से संभालने लगता है और उसको वहां पर काम करते हुए लगभग 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन बाद जब एक दिन वो अपने आवास से अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा भयंकर हुआ था। इस एक्सीडेंट के कारण उनके पैर में गहरी चोट आती है और उसके बाद उन्हें वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें कहां पर कौन से हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, तो वो कह देता है कि मुझे अभी यहां पर 15 दिन हुए हैं आए, तो मुझे नहीं पता होगा कि यहां पर कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, आप लोग यहां के लोकल हो तो आप ही किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाओ। उसके बाद उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब नहीं है और डॉक्टर साहब ना होने की वजह से जो प्रदीप होता है एक टांग पर लंगड़ी चलते हुए दोबारा से अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से दूसरे हॉस्पिटल के लिए वो चले जाते हैं। दूसरे हॉस्पिटल पे जाकर जैसे ही वो उतरते हैं तो उतरने के बाद वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर साहब को आने में 1 घंटा लग जाएगा। अब यह बात सुनकर प्रदीप थोड़ा सा चिंतित होता है क्योंकि उनके एडी में चोट लगी थी और एडी से लगातार खून बह रहा था। इसके बाद वह वहां से भी दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद तीसरे हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। उसने अपने माता पिता को पहले ही फोन कर दिया था और बता दिया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और फिलहाल वो हॉस्पिटल जा रहा है। इसके थोड़ी देर बाद वो लोग तीसरे हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद उसे डॉक्टर भी मिल जाता है और उसका ट्रीटमेंट चालू होने लगता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब उसका एक्सरे करते हैं और एक्सरे करने के बाद उसे बताते हैं कि तुम्हारी हड्डी तो नहीं टूटी है लेकिन तुम्हारी एडी का पिछला मांस कटकर अलग हो गया है। अब इस बात को सुनने के बाद प्रदीप कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। अगर हम उस घाव में टांके लगाएंगे और टांके लगाने के बाद जो मांस कटकर अलग हुआ है वो आपकी बॉडी के द्वारा अगर दोबारा से एक्सेप्ट नहीं किया गया तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद प्रदीप कहता है कि ठीक है, आप ट्रीटमेंट कीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। डॉक्टर साहब उसके पैर में टांके लगा देते हैं, टांके लगाने के बाद उसको पट्टी कर दी गई थी। अब जैसे उसकी पट्टी खुलती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर साहब को जिस चीज का डर था वही चीज हुई है। लगभग 75% तो एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन 25% घाव ऐसा रह गया था जो काला पड़ चुका था। इसके बाद प्रदीप डॉक्टर साहब से पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब अब इससे आगे क्या होगा, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखते हैं कि ये दोबारा से एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। इसी चीज को सोचकर डॉक्टर साहब ने दोबारा से पट्टी कर दी थी और दोबारा से एक बार प्रदीप यही सोच विचार में डूबा हुआ था कि जल्द से जल्द उसका घाव ठीक हो जाए और उसके बाद वह अपने कार्यभार को संभाले। प्रदीप के पिता प्रदीप को देखते हैं और उसके सामने उसे हौसला अफजाई करने लगते हैं, लेकिन अकेले में खड़ा होकर वह फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि उनका बेटा जिसने अभी अभी पोस्टिंग को संभाला था 15 दिन के अंदर ही उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिससे बहुत कुछ गलत हो सकता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो प्रदीप का घाव था वो लगभग ठीक ही हो गया था, केवल एक छोटा सा सुराग रह गया था जिससे थोड़ा थोड़ा पस बाहर आया करता था। अब इसके बाद प्रदीप को दोबारा ट्रेनिंग के लिए
जाना था ताकि वे दोबारा ट्रेनिंग करके अपनी पोस्ट को संभाल सके, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही किया जाता है। इसके बाद प्रदीप ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो जूता पहनकर ट्रेनिंग करता है तो उस घाव में उसका थोड़ा सा दर्द होता है और उससे और भी ज्यादा पस निकलने लगता है। 2-3 दिन वह कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद वह नाकामयाब हो जाता है और उसको मजबूरन वो ट्रेनिंग वहीं पर रोकनी पड़ती है और वहां से उसे वापस आना पड़ता है। वह सोच रहा था कि अगर इस तरह से मैं ट्रेनिंग कर भी लेता हूं तो उसके बाद अपनी नौकरी को अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा और क्या फायदा होगा ऐसी ट्रेनिंग करने का। इसी वजह से प्रदीप वहां पर एक कड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो जाता है और उसे अपने डीएसपी के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब जैसे ही वो इस्तीफा देता है तो उसके परिवार वालों पर बहुत बुरा समय बीतता है और वो लोग अलग अलग तरह की बातें सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रदीप के पिता होते हैं वो उसका साथ देते और कहते हैं कि बेटा, जब तू इतनी छोटी उम्र में इस पोस्ट को हासिल कर सकता है तो उससे आगे तू बहुत कुछ कर सकता है। मुझे तुझ पर विश्वास है और तू ऐसा कर, बेशक से इस्तीफा दे दे। जब तू अच्छी तरह से ठीक हो जाए, डॉक्टर तुम्हारे ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर दे, तो उसके बाद दोबारा से किसी नौकरी में लग जाना और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। प्रदीप के पिता जब उसका हौसला अफजाई करते हैं तो प्रदीप के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जागती है और उसके बाद वह अपने पैर का ट्रीटमेंट करवाने लगता है। लगभग 1.5 साल तक उसके पैर का ट्रीटमेंट चलता है और 1.5 साल के बाद उसका पैर अच्छी तरह से ठीक हो गया था, यानी कि अब पैर में कोई भी दिक्कत नहीं थी। वह अच्छी तरह से चल सकता था, भाग सकता था, कूद सकता था, उछल सकता था। इन 1.5 सालों के बीच में प्रदीप ने बहुत कुछ वो चीज़ देखी थी जो शायद उसे ज़िंदगी में कभी भी फेस करने को नहीं मिलती। उसके अड़ोस पड़ोस वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें बताने लगे थे और कहने लगे थे कि ये नौकरी को छोड़कर नहीं आया है, इसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो कैसे इसका नंबर लग गया। लेकिन जब उनको पता कि ये कुछ भी नहीं कर सकता तो इसे नौकरी से निकाल दिया है। ये बातें घूमते घूमते प्रदीप के कानों तक भी आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है और मेहनत करता रहता है। वो सोचता है कि एक एक जने को मैं किस तरह से जवाब दूंगा, इससे अच्छा होगा कि मैं कुछ बनकर दिखाता हूं और सभी को एक साथ में जवाब मिल जाएगा। और यही चीज उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करती थी। साथ में कभी कभी उसे वो बात भी याद आया करती थी जब मैं अपने पिता से कहा करता था कि पिताजी, जब मैं बड़ा होकर बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो आपके कंधों का बोझ हल्का कर दूंगा। लेकिन प्रदीप ने अपने पिता के कंधों का बोझ और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि प्रदीप के पिता ने कुछ पैसे तो सरकारी खाते में जल्द जमा करवाए थे जब उसने रिजाइन दिया था, और साथ में उसके बेटे का जो इलाज हुआ था उसके लिए भी उसे ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़े थे। और इसी वजह से प्रदीप के पिता ने अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया था, जिसकी वजह से उन सभी मुश्किल वक्तों से लड़ पाया था। अब उनके पास खेतीबाड़ी के लिए जमीन थोड़ी रह गई थी, लेकिन प्रदीप के पिता बार बार उसको हौसला देते और कहते कि बेटा, तू चिंता मत कर, अगर तू अच्छी तरह से रहेगा तो ऐसी ढेर सारी जमीनें हम खरीद लेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज को कह कहकर वो अपने बेटे को मोटिवेट करता है और अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। प्रदीप भी आगे की पढ़ाई करने लगता है और मेहनत करके अपने एग्जाम्स को देने लगता है। उसके बाद प्रदीप यूपीएससी का प्री एग्जाम देता है, उसको अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लेता है। उसके बाद उसने मेन दे दिया था और उसको भी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर दिया था। इसके बाद प्रदीप इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वहां पर इंटरव्यू भी अच्छी तरह से उसका हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू होने के बाद वह इस एग्जाम के रिजल्ट आने की बात नहीं देखता है, वह दोबारा से दूसरे टेस्टों की तैयारी में लग जाता है और दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से देश को एक भारी संकट से गुजरना पड़ता है। उसी टाइम पे कोरोना काल आ गया था, जिस कोरोना काल के चलते सभी कार्यों को रोक दिया गया था और किसी भी कार्य का कोई भी रिजल्ट हो या कोई भी पेपर हो उसको नहीं कराया गया था। कुछ दिन ऐसे चलते रहते हैं और प्रदीप की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। प्रदीप के कुछ दोस्त उसके बारे में अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाया करते और यह बातें जब प्रदीप तक पहुंचा करती उसे इन बातों का बड़ा ही बुरा लगता। लेकिन वो वेट कर रहा था कि किसी न किसी दिन मैं कामयाब जरूर होऊंगा और जिस दिन कामयाब हो जाऊंगा मेरे दोस्तों को भी और मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को एक साथ से जवाब मिल जाएगा और एक एक जने को अलग से मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा। इसी बात को सोचकर प्रदीप मेहनत करता रहता है। और तभी एक दिन अचानक से जब वह अपने हॉस्टल में अपने साथियों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा था, एक छोटी सी टेबल में 10x10 के कमरे में उसका फोन रिंग करता है। अब जैसे उसका फोन रिंग किया था तो उसके बाद उसने फोन उठाया और फोन उठाने के बाद उसे एक खुशखबरी मिलती है। जो यूपीएससी का एग्जाम उसने दिया था उसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद उसको एक कलेक्टर की पोस्ट मिल गई है। इस बात को सुनकर प्रदीप को यह बात पर विश्वास नहीं होता और थोड़ी देर के लिए वह सुनसान रह जाता है। लेकिन जो उसका साथ का लड़का उसके साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा था वह इस बात से एकदम से चिल्ला उठता है और वहां पर जितने भी स्टूडेंट उनके साथ के थे जो वहां पर पढ़ाई किया करते थे सभी को यह बात बता देता है। वो सभी प्रदीप को कांग्रेस करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो आप कलेक्टर साहब बन गए हो ना, अब हम लोगों को भूल जाओगे। प्रदीप भी थोड़ा सा होश में आता है और होश में आने के बाद सीधा अपने पिता के पास फोन मिला देता है। इन सबके दौरान पिताजी ने बहुत कुछ झेला था, सारी बातें
पिता को भी सुनने को मिला करती थी और अपने बेटे के ऊपर नाकामयाबी का धब्बा लगा देखकर वो बार बार दुखी हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही प्रदीप अपने पिता को फोन करके बताता है कि पिताजी मैं कलेक्टर बन गया हूँ और मेरा यूपीएससी का टेस्ट आ गया है, अब इसके बाद मेरी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, तो प्रदीप के पिता को इस बात को सुनकर थोड़ी सी शांति मिलती है और उसके बाद वह इस बात को पूरे परिवार में बताते हैं और सभी लोग इस बात को सुनकर राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें सुनने को मिल रहा था कि तुक्केबाजी से डीएसपी बन गया है, लेकिन जब आज वो कलेक्टर बन गया है तो उन सभी को उनकी इन बातों का जवाब मिल गया है और इस बात से उन्हें राहत की सांस मिलती है। वो लोग खुशी भी नहीं मना पाते हैं और इसी तरह से अपने घर के अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं। अब जो लोग प्रदीप के बारे में गलत बातें कहा करते थे उनको सीधा सट जवाब मिल गया था और उन लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी उन बातों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद प्रदीप अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर की पोस्ट संभालता है। वहां पर उसे आवास मिला था और साथ में सरकारी गाड़ी मिली थी और साथ में बॉडीगार्ड भी मिले थे। इसके बाद वह अपने माता पिता को अपने साथ वहीं पर ले जाता है और वहीं पर अपने साथ रखने लगता है। कभी कभी जब वह गांव में आया करता है तो प्रदीप के बारे में सभी लोग अच्छी अच्छी बातें किया करते हैं, जिन बातों को सुनने के बाद प्रदीप के पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है और वह अपने बेटे के बारे में उन सभी दिनों को याद करने लगता है जब उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, यहां तक कि प्रदीप अपने घर वालों से बात तक भी नहीं कर पाता था और वह सोचता था कि मुझे किसी भी तरह से कामयाब होना है और कामयाब होकर सभी लोगों को जवाब एक साथ देना है। इसके बाद प्रदीप के पिता प्रदीप के लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से प्रदीप की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद प्रदीप अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है और उसकी पत्नी उसके माता पिता की अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। चारों तरफ यह बात फैल गई थी कि एक लड़का जिसने डीएसपी पद से रिजाइन दिया और उसके बाद वह कलेक्टर बन गया। सभी लोग उसके पिता से ये बात पूछते हैं कि जब तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया था तो उस टाइम पर तुमने खुशी क्यों नहीं मनाई थी। उसके बाद उसका पिता साफ साफ जवाब दे देता है, कहता कि हमारा बेटा जितने दिनों से संघर्ष कर रहा था जब यह कामयाब हो गया तो हमें इस बात की शांति मिली, ना कि हमें ऐसा लगा कि इस बात की खुशी मनानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक लड़के के संघर्ष की कहानी जिसने छोटी सी उम्र में अपने पिता के कंधों का बोझ हल्का कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके पिता के कंधों का बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप लोग थक कर हार चुके हो तो दोबारा से उठने की प्रेरणा आपको इस कहानी से मिलेगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हो प्रदीप के बारे में, क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।